जी तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, फॉर्मेटिंग तो आप नॉर्मल करते हैं कि किसी भी डेटा को कलर फिल्टर कलर करना, बैकग्राउंड करना, बॉर्डर करना, जी होती है तो होती है, लेकिन इसी कंडीशंस पे कलर करना कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। आपको दिखाऊं अपना स्क्रीन तो आप देख पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्वांटिटी का है, यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा डेटा है, अब आपको सारा डेटा को देखना नहीं है, बस ग्रेटर 80 वाले कौन कौन सेल है एक नज़र मारना है। तो अब गेट एक दो चीज़ें हैं, एक तो आप प्रैक्टिस यहाँ पे फिल्टर कर ले, यहाँ से ग्रेटर देन 80, तो आपको सिर्फ 80 वाले ही दिखेंगे, लेकिन आपको जो है फिल्टर नहीं करना है, क्योंकि उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दिखनी होती है, इसलिए नॉट फिल्टर। मुझे दिख जाए हाईलाइट, हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई लाइन हमें इंपॉर्टेंट लगती थी तो उसको हम लोग हाईलाइट से हाईलाइट कर देते थे। इन फ्यूचर में उसको हम जब देखने जाए तो हमें बाकी चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी नज़र सिर्फ वहीं पे जाए। तो उस केस में हम पहले हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिस एरिया पे आपको कंडीशन लगाना है। फिर फॉर्मेटिंग में आते हैं तो इसमें कई सारे कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है हाईलाइट सेल्स, उसमें जाते हैं तो यहाँ पे है ग्रेटर देन। यहाँ पे डिफॉल्ट नंबर ले लिया उसने 50, जिसका एवरेज है, और डिफॉल्ट कलर ले लिया। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं और नंबर दे सकते हैं, और यहाँ हिसाब से कलर दे सकते हैं कि येलो ग्रीन चाहिए, राइट रेड चाहिए, रेड टेक्स्ट चाहिए, रेड बॉर्डर चाहिए, कस्टम फॉर्मेट चाहिए। तो कस्टम फॉर्मेट क्या है कि आपको अपना फॉर्मेट चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ ब्लू, हमने ओके किया, तो जितने ब्लू वाले हैं वो हाईलाइटेड होंगे, और जैसे हाईलाइट ही नहीं हुए हैं ये अपना हाईलाइट मेंटेन भी रखेंगे। जैसे अगर मैंने 65 को मैं 105 कर दिया तो ये आपको हाईलाइट, और कभी इसने मान लीजिए 51 हो गया तो वापस कलर। समझ तो इसी तरह से हम यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं, वो हाईलाइट सेल्स रूम में ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन, नंबर से बड़ा छोटा या बीच वो का। मैथमेटिकल कैलकुलेशन सभी है, इक्वल टू और टेक्स्ट टू कंटेंट्स टू। इसमें जैसे कि हम डेट एंड टाइम और नंबर तीन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डेट से बड़ा आपको हाईलाइट करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन कर सकते हैं, ग्रेटर देन, और यहाँ दे सकते हैं कि मुझे 2 जैन से हाईलाइट। हाँ, 3 महीना का, 1 महीना, कोई भी डेट दे दिया उसने। लेकिन इक्वल टू होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू, कि आप सेम सर, पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर वन। डाल सकते हैं, चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, एग्जैक्ट सेल। लेकिन इसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नाम हम यहाँ पे करते हैं, जैसे टीना है, यहाँ पे टीना शर्मा हो गई, तो मैं हाईलाइट अगर टीना कर इक्वल टू, मैं अगर हाईलाइट टीना करता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे किया हाईलाइट, तो टीना आपका हाईलाइट होगा, टीना शर्मा हाईलाइट नहीं होगी। तो यहाँ हाँ, कंटेन कंटेन, टीना और टीना शर्मा दोनों हाईलाइट हो जाएगा। उसका डेट ऑकरिंग, हमने ऊपर जो डेट बताया सर वो क्या था कि आपका एक एग्जैक्ट डेट डालना था, लेकिन यहां आप आते हैं ना डेट ऑकरिंग में, तो आप अपने सिस्टम डेट से कनेक्टेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आज की डेट हाईलाइट करनी है, तो आप इक्वल टू में जाया कर दूंगा तो आज की डेट हमारी फिक्स रहेगी, अच्छा, आज की डेट फिक्स रहेगी। सो यहां पे हम चाहते हैं कि मेरे सिस्टम डेट से कनेक्ट हो जाए, तो यहां पे ये डेट ऑकरिंग सिलेक्ट करेंगे, यहां कि टुडे आज का डेट, टुमोरो कल का डेट, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, एवरीथिंग यहाँ पे शो हो जाएगा।
ठीक है सर? जी डाउट इसमें? नहीं नहीं कोई डाउट नहीं। सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा, सिस्टम डेट चेंज होगा तो अपने आप को चेंज कर लेगा। अब यहां पे आता है डुप्लीकेट। किसी भी सिलेक्टेड एरिया में मोर देन वन टाइम अगर आपका है उसको डुप्लीकेट हाईलाइट कर देता है। अब टॉप बॉटम हाईलाइट के बाद आता है टॉप बॉटम। मुझे इसमें से टॉप 10 को या टॉप 5 या टॉप 100 को मुझे हाईलाइट करना है तो यहां से आप टॉप बॉटम में टॉप 10 ले सकते हैं। ऐसे यहां पे हमें हाईलाइट बॉटम 10 तो आपका बॉटम 10 हाईलाइटेड हो जाएगा। अब एक आता है अबव एवरेज। अब सिलेक्टेड एवरेज है 42 है, ऑटोमेटिकली वो 42 उसका कैलकुलेट करेगा और उसको हाईलाइट कर देगा अबव एवरेज में। एंड बिलो एवरेज क्या होता है कि जो 42 से नीचे होगा उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है, अब एवरेज एंड बिलो एवरेज दो दिन। उसके बाद आता है यहाँ पे डेट कलर बार। जितना बाहो का उतना हिसाब से उसकी बार जनरेट कर देगा। मैं इसको एक अलग सेल पे करके दिखाता हूँ तो समझ आएगा। ये अकॉर्डिंग टू नंबर उनका बार होगा। उसमें से कलर स्केल भी होता है, जैसे ग्रीन होगा कलर स्केल का यूज करते हैं। हाँ जी। अब इसमें एक चीज और आता है, वो आता है मोर मोर कलर मोर रूल्स या फिर न्यू रूल्स कह सकते हैं। आइकन से भी आपको आइकन की तरह करना। आइकन सेट का एक और यूज हम बताते हैं। चाहिए मैं कॉपी करता हूँ, एक अलग शीट पर ले आता हूँ डेटा। अब मेरे पास आपके सामने डेटा दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि मुझे इसको हाईलाइट करना है। मुझे इसको मतलब कि हाईलाइट नहीं, मुझे इसको एक इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई इसमें से पास कौन है फोल कर क्वान्टिटी छोड़िए स्कोर है किसी कंपनी का। इसमें जीरो से नहीं ग्रेटर देन 65 वाला पास है, 65 मान लीजिए पास है। 42 60 वाले को हम रीटेस्ट बोलते हैं। 42 60 वाले को हम रीटेस्ट और लेस देन 40 वाले हम तो करते हैं पे। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं यहां पे कि ये सेम चीज हम यहां पे करें तो इफ कंडीशन बगल लगाना पड़ेगा। इफ जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे आइकन में आते हैं और इस वाले को नीचे राइट कर दिया, इसको लगा देते हैं। लेकिन ये जो लगाया आइकन और मेरे इसके अकॉर्डिंग नहीं आया है, इसके अकॉर्डिंग नहीं आया है। तो कैसे आएगा इसके अकॉर्डिंग? इसके लिए हमें इसको मैनेज रूल में जाना होगा। डबल क्लिक करते हैं और यहां सबसे पहले जो परसेंट है उसको चेंज करके नंबर कर दे और यहां पे हम बोलते हैं 65, यहां पे हम बोलते हैं 40। तो 65 से ऊपर होगा तो टिक का निशान आएगा, 40 to 65 होगा तो स्पेशल मार्क आएगा, 40 से नीचे आएगा उसको क्रॉस होगा, क्रॉस कर देगा। यस सर। कोई डाउट? ना कोई डाउट नहीं। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे 3 2 करें, सेलेक्ट करें, आइकन पे जाए,
तरीके से अप्लाई करें। उसके बाद इसमें मैनेज रूल में आएंगे ना, डबल यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो आइकन ओनली। इसे जो 1 2 3 दिख रहा है ना सर, ये हिडन रहेगा यहाँ पे 3 2 1। इसे समझ में आएगा ना कि हाँ क्या है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको मोर रूल्स में आता है ऑप्शन, जैसे कि आपने यहाँ पे ग्रेटर देन तो लगाया लेकिन ग्रेटर देन टू नहीं है, मोर रूल न्यू रूल्स पे जाते हैं। यहाँ आपका दिखता है फॉर्मेट सेल कंटेन सेल वैल्यू पे, यहाँ आपके है और बाकी ऑप्शंस की बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, नॉट बिटवीन को सिलेक्ट किया और हमें अपना देना है कंडीशन और फॉर्मेट में आके अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। सेल वैल्यू के अलावा यहाँ अगर बढ़ते हैं आप तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट भी होता है, आपने बाहर कंटेनिंग दिखा था, यहाँ होता है नॉट कंटेनिंग, कोई पर्टिकुलर वर्ड के अलावा कुछ भी हो, ये पर्टिकुलर वर्ड ना हो तो हाईलाइट। बिगिन विद, कभी कभी इससे होता है कि हम लोगों को हाईलाइट करना होता है उसके फर्स्ट लेटर्स है, फर्स्ट एक या दो या तीन चार पांच लेटर्स है, इनिशियल लेटर्स। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि बिगेन विथ, कि अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर ये लेटर्स है तो हाईलाइट, एंड विथ लास्ट में कोई लेटर है तो हाईलाइट। ठीक है, टेक्स्ट से होता है। उसके अलावा डेट ऑकरिंग जो बाहर पढ़ा तो वही है, ब्लैंक ब्लैंक को हाईलाइट करेगा, नो ब्लैंक नो ब्लैंक हाईलाइट करेगा। एरर, एरर का एक एग्जांपल मैं अलग से दे सकता हूँ आपको। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास डेटा में एरर और डेटा दोनों होता है, जैसे कि आप में कर रहा हूँ क्या है कि मैं तो एरर हटा सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रिंट में मेरा एरर ना आए, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, कंसोल में जाइए, न्यू रूल्स फॉर्मेट, और यहाँ पे आता है एरर के फॉर्मेट में। मैंने क्या किया कि बैकग्राउंड तो व्हाइट है तो मैंने इसकी फॉन्ट कलर भी व्हाइट कर दी। शायद सी बात है कि व्हाइट बोर्ड में व्हाइट मार्कर से लिखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। ओके ओके, तो अभी देखिए सिर्फ नंबर दिख रहा है, एरर नहीं दिख रहा, एक्चुअल एरर है लेकिन कलर व्हाइट हो जाने के कारण नहीं दिख रहा। इसका यूज भी हम लोग करते हैं। अच्छा, अभी उसी स्क्रीन में एक बार वापस जाइए। अभी मानने के आपका सी कॉलम में है, ना बी कॉलम में है, बी कॉलम, कॉलम बी से 1 से लेकर 45। अब मानने कि अगर 1 2 3 ये तीन कॉलम डिलीट करना है तो कंटेंट्स के साथ डिलीट हो जाएगा। देखिए दो चीजें हैं, अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं पर्टिकुलर सेल सेल्स का। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर जस्ट की डेटा डिलीट करनी है ना, हाँ, तो यहाँ डिलीट बटन दबाइए तो डिलीट हो जाता है। नहीं नहीं, एम्प्टी सेल्स के लिए अगर मान लीजिए इधर तो एम्प्टी सेल एक्चुअल है नहीं है, इसमें तो आपको हाइडेड और व्हाइट कलर का है, तो मान लीजिए अगर मानने के एक रो है या कॉलम है तो उसमें 5 सेल्स है उसमें 3 एम्प्टी है तो उसको हाईलाइट कर कर डिलीट एम्प्टी सेल्स कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, वो अलग तरीका है, मैं बताता हूँ आपको उसका तरीका कुछ अलग है। जैसे मेरे पास डेटा है राइट, हाँ एक चीज ध्यान, ये जो आप ऐसा करेंगे ना तो इसमें कॉज है सर, जी इसमें एक कॉज है, मतलब कि एक प्रॉब्लम है। जैसे हमने यहाँ सोचा ब्लैंक सेल को, ब्लैंक सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो आप इसको सिलेक्ट करें। हाँ, आपके जो स्पेशल है फाइनेंस सेलेक्ट में स्पेशल होता है, गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल, कंट्रोल जी से भी ला सकते हैं, कंट्रोल जी एंड स्पेशल। अच्छा, ठीक है,
ब्लैंक करेंगे तो ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएगा, अच्छा, और फिर इसको कंट्रोल माइनस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। एंटायर रो करना है, सेल्स करना है, अच्छा, कर सकते हैं। अच्छा, तो उसी तरह से है कि जैसे कि आपका बैकग्राउंड में अगर है तो भी वो बैकग्राउंड भी जाएगा, है, डिलीट हो जाएगा सेल। हाँ, पूरा सेल डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। गो टू किधर है स्क्रीन में? कंट्रोल जी दबाइए। कंट्रोल जी मारने से आ जाएगा तब गो टू, या फिर यहाँ सबसे लास्ट में फाइनेंस सेलेक्ट है ना, फाइनेंस सेलेक्ट। हाँ, फाइनेंस सेलेक्ट स्पेशल होगा, क्लिक करेंगे तो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम कैलकुलेशन की। चाहते हैं सेल्स को हाईलाइट करना, लेकिन कंडीशन, क्योंकि अभी जो हमने हाईलाइट किया, हमने वहां क्लिक किया जहां पे मेरा कलर था, जहां कलर किया और जहां कंडीशन, दोनों हमारा सेम एरिया था, तो हमने हाईलाइट कर दिया। लेकिन अब जो मैं चाहता हूं, वो चाहता हूं कि मेरा कलर वहां हो जहां, मतलब मेरा कलर कहीं और होना चाहिए, कंडीशन कहीं और होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा, मैं एक काम करता हूँ, टैक्स का कॉलम डिलीट करता हूँ यहाँ से, राइट? और मैं बोलता हूँ कि जिसका टैक्स ग्रेटर देन 10,000 है वो हाईलाइट, टैक्स अगर ग्रेटर देन 10,000 हो तो हाईलाइट, ठीक है? तो क्या करें इसके लिए? तो अब यहां पे हम आते हैं, या नहीं, यहां शुरू करते हैं। आपको सिंगल सेल सेलेक्ट करना है, जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे सिंगल सेल, ध्यान रखिएगा, यूज फॉर्मूला। अब यहां पे आते हैं और लेते हैं एम, एम टू का 10% इज ग्रेटर 10,000, ठीक है, या फिर मैं 18% कर देता हूँ, 18% 10,000। अब यहां से मैं M2 में 2 के आगे का डॉलर हटा देता हूं, ताकि मैं नीचे ड्रैग करूं तो 3-4 फॉर्मेट, अपना कलर चूज किया, देन ओके एंड देन ओके, और फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे प्रिंट कर दिया। Yes. पूरा रो का सिलेक्ट करेगा। हाँ, इसमें और भी बहुत कलर होता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ अकाउंट नंबर लिखना चाहते हैं, या अमाउंट टाइपिंग कर रहे हैं, तो कभी 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 लोग क्या करता है कि यहाँ पे लिख देता है MRP 1500, तो इस पे हमारी कलर नहीं हो पाती है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे कोई टेक्स्ट यहां एंट्री करे ये हाईलाइटेड हो जाए, तो सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इज टेक्स्ट फॉर्मूले से, इज टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स देगा, और कंडीशन कन्वर्टिंग भी ट्रू फॉल्स पे चलती है। एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, और यहां इक्वल हमने दिया इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया और हमने H2 को सिलेक्ट कर लिया, H2 बस कमेंट पे गए और हमने देन ओके और फिर नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब जैसे इसमें कोई टेक्स्ट होगा हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरह से अब यहां पे मैं मोबाइल नंबर लिखना चाहता, चाहता हूं कि जैसे मोबाइल नंबर 8 डिजिट से कम या ज्यादा हो तो हाईलाइट। तो इसमें 8 डिजिट लिखा है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए पता चलता है 10 डिजिट यानी जो भी हो आपका लेन फॉर्मूला। लेन फॉर्मूला किसी भी सेल का लेंथ बताता है। तो यहां हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आते हैं, यूज फॉर्मूला, यहां हम लगाते हैं फॉर्मूला लेन, इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर ए
नॉट इक्वल टू 10 है और इसको हमने हाईलाइट किया। अच्छा तो मतलब 10 से कम होगा तो हाईलाइट हो जाएगा। जी एक सेकंड स्विच उल्टा लग गया। यहाँ पे हमने किया फॉर्मेट में गए बट हमारा रेट यूज किया एंड ओके कर हाईलाइट होगा। जब नीचे तो ए भी हाईलाइट होता है ऐसा क्या सर ब्लैंक हाईलाइट क्यों हो रहा है? ब्लैंक है कि नॉट इक्वल टू 10 है इसलिए है 10 मतलब कोई भी उधर इसलिए कि जैसे ब्लैंक सेल पे आप देखिए ब्लैंक सेल पे अगर आप लेन लगाते हैं ना तो आता है और जीरो भी तो नॉट इक्वल टू 10 होता है क्या इसलिए ऐसा है। हमें यहाँ पे दो कंडीशन लगाना होगा दो कंडीशन क्या लगाना होगा कि नॉट इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 0 तो यहां पे हम इसके लिए एंड यूज करेंगे क्योंकि तो एक साथ दो कंडीशन लगा दो या दो से ज्यादा कंडीशंस के लिए आप एंड यूज करेंगे जे टू इज ग्रेटर देन 0 अब इसको कीजिए तो दो कॉमा लगाए नहीं एक कॉमा ना क्या लगा अच्छा एक कॉमा And, अच्छा कॉमा लगा कर हाँ कॉमा लगा कर आपको ये करना जी ठीक है। देखिए एक से ज्यादा कंडीशन यूज करना है तो आपको एंड यूज करना पड़ेगा या फिर और यूज करना पड़ेगा दो फॉर्मूले एंड कब यूज करते हैं एंड तब यूज करते हैं जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशंस होता है होते हैं लेकिन रिक्वायर होते हैं जैसे यहाँ देखिए कि हमें जीरो से ही बड़ा चाहिए और नॉट इक्वल टू 10 चाहिए दोनों चाहिए तो इसलिए हमें एंड लगाया। अब मान लीजिए इसी में हमारे पास यहाँ पे डेट है मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ डेट है और डेट हमने मान लीजिए डाल दिया इस तरह से और हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करते हुए और यहाँ पे हम 3 बार DD करके संडे मंडे निकाल दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या हाईलाइट करना है कि ग्रेटर देन मैंने सैटरडे और संडे हो तो हाईलाइट हो जाए। यहाँ भी दो कंडीशंस है बट यहाँ एंड नहीं लगेगा ना लगने के पीछे रीजन क्या है ना लगने के पीछे रीजन ये है कि इक्वल टू सैटरडे इसमें एक ही हो सकता है या सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है दोनों नहीं हो सकता सर एक्सेल में तो जहां पे ऑप्शनल आता है वहां पे हम और फॉर्मूला यूज करते हैं तरीका वही है M2 is equal to Sunday. ठीक है सर यहां पे फॉर्मेट सेल से लिए हाईलाइट कर। अब डेट की बात करें तो मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था मैंने कि फोन से मैं सोचा इसमें कवर कर दूं आप मतलब आपको भी हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम हो हमें इसमें हाईलाइट तो करने हैं डेट हाईलाइट करना है लेकिन ड्यू डेट इसमें डेट ड्यू डेट हाँ इसमें डेट डली हुई है सर और आज जो डेट है मुझे ये देखना है कि जैसे कि हमारे इसमें मान लीजिए डेट की जगह पे ड्यू डेट है कि ड्यू डेट कब पड़ रहा है मान लीजिए डेट ही है तो जिस आप परचेज करते हो उसी मान लीजिए आपने 5 तारीख को परचेज किया तो अगली या फिर आपने कुछ लिया लोन लिया या कुछ भी लिया तो आपकी अगली जो ड्यू डेट पड़ेगी वो पड़ेगी नेक्स्ट 5 को तो ईयर और मंथ इसमें कंसिस्ट नहीं है बस डेट है जहां आज डेट मान लीजिए आज 22 है तो इस डेट भी महीने की डेट 22 है वो हाईलाइट हो जाए 22 डेट वाले सारे हाईलाइट हो जाए तो किसी डेट में से मान लीजिए आज का डेट है तो इसमें से 22 कैसे पता चलेगा
तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डे का, डे सेलेक्ट कीजिए, आ गया 22। तो यहां पे कर्सर रखते हैं, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला एंड इक्वल डे। डे में हमने C2 को ले लिया, B2 को ले लिया एंड इक्वल अगेन डे और टुडे। समझ में आया? हाँ समझ में आया। ये फर्स्ट वाला डेट है अकॉर्डिंग टू डेट जो उसमें जो डेट डाला उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा है कि जो करंट डेट होगा उसमें से करंट डेट। और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके, और फॉर्मेट प्रिंटर से फिर नीचे की तरफ हम पेंट कर। एक बार डेट डाल देता हूँ, जैसे कि 8/22। हेलो सर, यहाँ पे 5/22 दे रहा है। ठीक है, जो कोई डाउट तो नहीं है ना आपको सर? नहीं नहीं, तो कंडीशन वर्डिंग में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं सर, लेकिन क्या लगता है फॉर्मूला हमने कवर नहीं किया है, तो एक एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। जब हम फॉर्मूला सीख लेंगे तो मैं वो कोर्स को आपके ऊपर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। तो आपको अच्छा समझ में आएगा ना फॉर्मूले, आपको पता होगा। हाँ ना, ना, हाँ वो तो सही बात है ना, ऐसे तो ये मोनोटोनस लगेगा, पर है कि डे टू डे जिसको जरूरत होता है उसको इंटरेस्ट भी होता है, और हमें तो सीखने का है, लेकिन जो कि प्रोफेशनल के लिए सीखना है वो तो है नहीं, और दूसरी बात हमारे डे टू डे ये कोई चीज काम में इतना आएगा भी नहीं। हाईलाइट वगैरह यूज, हाईलाइट वगैरह कस्टमर्स होंगे जो ड्यूज वगैरह होंगे उसमें हाईलाइट करने का यूज करते हैं। हमारी बहुत छोटी कंपनी है, हार्डली एक इनवॉइस एक दिन में बनता है, ठीक है ना। काउंटर सेल है, और काउंटर सेल का जो $1,000 से ज्यादा होता है उसको दो भाग कर देते हैं, अगर वो जनरली हार्डली एक इनवॉइस और डेढ़ इनवॉइस बनता है एवरेज में। और इसका मतलब जो रो होता है वो 30 से 40 ही होता है, 40 बस, इससे ज्यादा रो बढ़ता नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे कुछ और है, जैसे फॉर्मेट एज ए टेबल, जैसे आपके लिए डेटा बनाया है और इसको आप चाहते हैं इसको क्विकली फॉर्मेट करना, तो सेल है जहां से क्विकली आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन टेबल में कन्वर्ट किए बगैर जस्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, टेबल में कन्वर्ट करने से इसका नेमिंग बड़ा हो जाता है, इसका सब चीज चेंज हो जाता है। उसके लिए आप यहाँ सेल टाइप में आइए, यहाँ से कलर आपको चूज करता है वो कलर को चूज कीजिए, आपका उसी फॉर्मेट हो जाए, क्विक फॉर्मेट। और कलर चेंज हुआ, हमें जो भी फॉर्मेटिंग है, जैसे ये लिया ना आपने आउटपुट ले लिया, तो कलर चेंज, बॉर्डर लग गया, बोल्ड हो गया, ठीक है, एक साथ सब अप्लाई हो गया ना, ऐसे वन बाई वन था आपको। उसके बाद इंसर्ट, आप इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट डिलीट, ये सब चीज आपको जनरली आती हो बताने के लिए। इसमें आपका डिलीट में भी सेम ऐसा ही है, सेल डिलीट करना, कॉलम सी डिलीट करना, बाकी रो की हाइट है, ऑटो फिट वगैरह है नॉर्मली, हाइट आप सीट को हाइट करना चाहते हैं, कॉलम वगैरह हाइट करना चाहते हैं, उसके लिए होता है। इसमें जो नया है वो है प्रोटेक्ट शीट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम में यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शंस बहुत एंगल से, वैसे बोलेंगे सर मैं तो अकेले में फाइल यूज करता हूं, तो नहीं नहीं वो बात नहीं, प्रोटेक्शन का तो ठीक है, आपको प्रोटेक्शन सुनना था, प्रोटेक्शन जरूरी है। किसी को फाइल अगर देखना है तो हैंडलिंग के इंटरफेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आप उसमें भी फिर अब पिछला इसमें बताए थे जो अगर पासवर्ड याद नहीं रहेगा तो कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। तो प्रोटेक्शन आपको पढ़ा था क्या मैंने? नहीं, आपका इंट्रोडक्शन उसमें आप डेमो दिए थे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये बताया था आपको कि पासवर्ड्स वगैरह डालना और इंटरफेस के लिए भी होता है उसमें, कि मैं जहाँ एंट्री करना चाहूँ मेरा कर्सर वहीं पर जाए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ये चीजें हम सर कल जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे,
अभी एक टॉपिक हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म हो गया, इसको आप प्रैक्टिस कर लें और कोशिश करें कि आप अपने काम में इसको यूज कर सके, निकाले थोड़ा सा ध्यान रखें हाँ हाँ वो तो कहाँ सही यूज है, हो सकता है। मेरा काम में यूज के लायक ही फिर है कि कर दो जिसको आप एक आया। बार ध्यान लगा के जगह अपनाने की कोशिश कीजिए सर, ठीक है ना, किधर अपने मैंने डे टू डे वर्क में।